तो आज ये पता नहीं किसकी साजिश है, क्यों अल्पेश यादव को फंसाया जा रहा है, क्यों उसको बदनाम किया जा रहा है, अरे क्यों उनको फंसाया जा रहा है, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते अल्पेश यादव को, प्लीज हमारी फैमिली को जस्टिस दिलाएं। सपेरों के परिवार से जिनसे कहा जा रहा था कि अल्पेश यादव का कनेक्शन है और उनसे सांपों का व्यापार करते हैं, उनके साथ मिलकर जहर का व्यापार करते हैं, उसी परिवार ने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया है। जी हाँ, अपने एक इंटरव्यू के दौरान मोनिका, जो कि इन पांच लोगों की बहन है, उनमें से किसी की बहन है, राहुल की बहन है, उनका कहना है कि पता नहीं क्यों ये सब किया जा रहा है, अल्पेश को भी फंसाया जा रहा है, हम उसे नहीं जानते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम गरीब परिवार हैं, सपेरे जाति से बिलोंग करते हैं और हम गरीब परिवार हैं, काम धंधा इतना खास नहीं है, बीन बजाना और ये ढोल तुंगा बजाना यही करते हैं, और मेरे भाई की आज की बुकिंग थी गाड़ी के साथ, लेकिन गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है बिना किसी लेने देने के। आज तक हमारे ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगाए गए हैं, गरीब लोग हैं, पता नहीं क्यों हमें इस तरीके से फंसाया जा रहा है, दो वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं और आज न जाने कहां से हम पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, हमारी मदद कर दीजिए और मेरे परिवार को वहां से बाहर निकाल लीजिए। जी हाँ, मोनिका ने साफ तौर पर कहा है कि उनका और अल्पेश यादव का कोई लेना देना नहीं, वो बस अपना काम करते हैं और पता नहीं क्यों इसके चक्कर में उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, उन्होंने सबसे मदद की गुहार लगाई है। अपनी राय साझा कर सकते हैं कमेंट सेशन के माध्यम से, चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।